नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन शुरुआत करेंगे मोदी के हुंकार के साथ, क्योंकि देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनावी हुंकार भरी है। दरअसल उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकरार रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भाजपा ने देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा आयोजित की है। पिछले पौने दो महीने में प्रधानमंत्री तीसरी बार उत्तराखंड आए, इस बार उनका ये दौरा राजनीतिक है। जनसभा में लोगों का सैलाब और पीएम मोदी की हुंकार ने समा बांध दिया। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कि पीएम मोदी के जनसभा में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी ने योजनाओं की सौगात दी है, वो तस्वीर आपके सामने है। पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया, सीएम धामी ने उनका सम्मान किया, सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया और जनसैलाब भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और इको कॉरिडोर पर फिल्म जो दिखाई गई वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पांच तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि इस कार्यक्रम में और प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में क्या कुछ खास रहा, क्या तस्वीरें निकल कर आई और किन तस्वीरों का दीदार जनता ने किया, वो तस्वीरों को हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और तस्वीरों के बाद आपको ग्राफिक से जरिए दिखाते हैं कि पूरे जनसभा में क्या खास बिंदु रहे। तो परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचे, ये खास बिंदु रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विकास परियोजनाओं का अवलोकन किया है, ये दूसरा बिंदु रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपलब्धियां गिनाई है प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में, ये खास बिंदु रहे। वहीं सीएम ने पीएम को अपना आदर्श बताया है और राजनीतिक आड़ के लेकर माहौल बिगाड़ रहे कुछ लोग, इस तरीके की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी का कंधा थपथपाया है और कहा है कि आपकी अगुवाई में काम अच्छा हो रहा है, जितने घोटाले हुए उनकी भरपाई दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे, इस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। साथ में चार धाम यात्रा को आसान बनाने की बात भी पीएम मोदी ने कही है और इसके बाद विकास का मॉडल बनेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली, इस तरीके की बात जब प्रधानमंत्री मोदी ने कही है तो तालियों की गूंज उठी है। और 7 साल में 12,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाए हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। हमने जो मार्ग चुना है कठिन है लेकिन देश में हित में है और सबके हित में है, हम आपको आश्रित नहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इस तरीके की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं, हम आपको ग्राफिक से जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। तो मोदी ने पहले कहा कि सरकार सिर्फ आपके लिए काम करती है, आज की सरकार किसी के दबाव में नहीं है। पहले की सरकार दबाव में होती थी लेकिन अब दबाव में नहीं है, आज की सरकार सीधे जनता के पास जाती है, अब जनता को सरकार के पास नहीं आना पड़ता। देवभूमि के विकास के लिए दिन रात परिश्रम करती है हमारी सरकार, तो बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। जुनून हो तो सूरत और सीरत बदलती है, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जनसभा में कही है। 7.5 लाख घरों में नल से जल पहुंच रहा है, जल की किल्लत अब दूर हो रही है, उत्तराखंड का विकास की प्राथमिकता हमारा है, इस तरीके की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि हमारा विकास का ही काम है। डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है, इस तरीके की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि डबल इंजन की जो सरकार है वो विकास कर रही है, पिछली सरकारों ने प्रदेश का वक्त बर्बाद किया है, काम कुछ नहीं किया है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। इसके अलावा प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अब लोगों को मेडिकल के लिए असुविधा नहीं होगी और पहले की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है, लोगों के लिए काम नहीं किया है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। और आज की सरकार किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार है वो दबाव में काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार सीधे जनता के पास जाती है, जनता के सरोकार की बात करती है।
अब आपको यह भी दिखाते हैं कि मोदी ने प्रदेशवासियों को क्या सौगातें दी है, किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो लोकार्पण की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग श्रीपुर का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसके साथ ही ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कौड़ियाला का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऑल वेदर रोड लामबड़गढ़ की भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसका लोकार्पण किया है। ऑल वेदर रोड सकड़ी धार देवप्रयाग और श्रीनगर का लोकार्पण भी पीएम मोदी ने किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किन कार्यक्रमों में शामिल हुए और क्या क्या लोकार्पण किया। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि शिलान्यास कार्यक्रम में जो मोदी का था उसमें क्या कुछ किया। तो ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, प्रदेशवासियों को सौगात दी है। हरिद्वार रिंग रोड की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर दी है, और इसके साथ लक्ष्मण झूला के पास पुल का निर्माण होगा, इसका भी शिलान्यास किया गया है। और इसके साथ ही देहरादून पौंटा साहिब मार्ग का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया है। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा बध गया। क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको सुनाते हैं। इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, इससे देश का। तो इस तरीके का समा बाधा है प्रधानमंत्री मोदी देव। वहीं हम आपको ये भी सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में और जब वो कार्यक्रम चल रहा था, सुनिए। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है, आपके आशीष से ही सवर्ता तरुण प्रदेश है, आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले, आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं। आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग विक्रमादित्य राजस्य सौमेव मृगेन्द्र दत्ता, अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है। मोदी का संबोधन तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज देहरादून के इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कविता भी सुनाई और कविता ने लोगों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जहां पवन बहे संकल्प, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्यवाद हो जाता हूं। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वहीं कहे कि है सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं।
है सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ, है बाद में मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मंडवे की रोटी और हड़वे की थाप, मंडवे की रोटी हड़के की थाप, हर एक मन करता शिवजी का छाप। इस तरीके की बात भी कविता में प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश। तो हम आपको प्रधानमंत्री की कविता सुना रहे थे। प्रधानमंत्री की कविता से लोगों का हुजूम और ज्यादा बढ़ गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो बताएंगे कि किस तरीके का आज ये कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम को जिस तरीके से बीजेपी ने सफल बनाने की कोशिश की, जन सैलाब उमड़ा और लोगों का हुजूम कहीं ना कहीं मोदी में हो गया। अजीत, आने वाले चुनाव की जो दृष्टिकोण से हम देखें तो इस जनसभा, इस कार्यक्रम को हम कैसे देख सकते हैं? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आते रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, चुनावी संचार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। रैली का जो नाम दिया गया था वो विजय संकल्प रैली यहाँ पर रखा गया था। सीधे तौर पर आगामी जो 2022 के विधानसभा चुनाव है इसका चुनावी आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है गढ़वाली भाषा के तौर पर यहाँ पर शुरू की, सभी से आशीर्वाद लिया, सभी को प्रणाम किया, वो पूरी तरह से क्षेत्रीय गढ़वाली भाषा में था। और इसके बाद जो भी उनका पूरी तरह से जनसभा में संबोधन था वो उत्तराखंड को छूते हुए था, उत्तराखंड के आम जनता को दिल और नब्ज को टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर की गई है। और पूरे जनसभा के संबोधन के बाद जब अंतिम में उन्होंने कविता का पाठ यहाँ पर करना शुरू किया और कविता में जिस तरह से उत्तराखंड के जो लोग बातें हैं, जो यहाँ के उत्तराखंड की जो चीजें हैं इनको छूने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की है, तो पूरी तरह से जनता उत्साहित नजर आई है। भीड़ को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2017 के आम चुनाव में जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला था वो कहीं ना कहीं इसमें भी सफल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा कि चुनाव के नतीजे किस ओर जाएंगे, लेकिन आज की जनसभा के माध्यम से भाजपा ने उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है और जिसको पूरी तरह से कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड आए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो कहीं ना कहीं अब ये चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस मोर्चे में और इस रेस में चढ़ने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसान पंचायत से जुड़ी हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। 7 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी किसान मोर्चा की। सिंधु बॉर्डर पर ये किसानों की बैठक हुई और करीब 4 घंटे ये बैठक चली है। अब बैठक 7 दिसंबर को अगली होगी और इसके बाद ही पता चलेगा जो कि आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्या जो ये किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो आगे चलता रहेगा या फिर कुछ और निकलेगा, तो 7 दिसंबर को तय होगी जब अगली बैठक होगी। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी किसान मोर्चा की। कई किसान संगठन इस बैठक में शामिल होंगे। सिंधु बॉर्डर पर ये किसानों की बैठक हुई है और करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है। राकेश टिकैत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो बात भी बताएंगे जो टिकैत सबके बीच साझा करने वाले हैं। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कमेटी में युद्धवीर सिंह, शिव कुमार काका शामिल हुए थे, ये किसान के बड़े नेता हैं। हैदर अली हमारे संवाददाता जुड़े हुए। हैदर, आज किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई है, अगली बैठक 7 दिसंबर को होनी है जानकारी आ रही है, लेकिन आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? हैदर
देखिए अभिषेक, अगर संयुक्त किसान मोर्चा की इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा था, क्योंकि 4 तारीख को सभी दल जो है वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने एक सरकार के एमएसपी को लेकर बात करने के लिए या और भी जो नाम है, जैसे कि इनकी मांग है जो शहीद हुए हुए किसान हैं उनको मुआवजा देने के लिए, जो जैसा कि संसद सत्र में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कहा गया था कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है शहीद किसानों का, तो उसको लेकर भी इन्होंने 702 किसान जो आंदोलन में शहीद हुए हैं उनका ब्यौरा भी जो सचिव है, कृषि सचिव है, उनको भेजा है। साथ ही 5 लोगों की जो टीम कमेटी बनी है, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल है, गुरनाम सिंह जड़ूनी है, युद्धवीर सिंह है, यशोक अशोक धावले हैं, शिव कुमार कक्का हैं, क्योंकि ये किसानों के एक बड़े नेता हैं, एक इनके पीछे ही पूरा आंदोलन चल रहा है। तो इन 5 लोगों की सहमति बनी है, ये लोग अब सरकार से वार्ता करेंगे अपनी मांगों को, एमएसपी को, गारंटी कानून को लेकर, या इसके अलावा जो भी उनकी मांगे हैं जो किसानों के हित में है उसको लेकर वार्ता करेंगे। वार्ता होने के बाद कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक, आपको एक बात बता दूं मैं, सरकार की दिन पर दिन जिस तरीके से वो किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं, किसानों से वार्ता करने के वो कर रहे हैं कोशिश, तो कहीं ना कहीं लगता है अब आंदोलन जल्द ही समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 तारीख को जो अगली मीटिंग है उसमें युद्धवीर सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कि हमारी आपकी तालमेल सरकार से बैठ रही है, सरकार से टेबल में बैठकर बात करेंगे, सरकार हमारी मांगों को मानती है तो हम जल्द ही। बिल्कुल, चलिए यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते हैं कि किसान जो नेता है वो भी कुछ अपने बात रख रहे हैं। तो जिस तरीके की बात हमारे संवाददाता हैदर ने दी है और उन्होंने जानकारी साझा की है कि अगर इन किसानों की मांगे जो है, जो सरकार के सामने मांगे रख रहे हैं, वो मांगे अगर पूरी होती है तो किसान आंदोलन जो एक साल से ऊपर का हो रहा है वो खत्म होने की दिशा में भी है। लेकिन किसान नेता जो राकेश टिकैत है उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं है और सरकार हमसे आकर बातचीत करें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कर्म स्थली गोरखपुर में अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया है। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकालीन दिनचर्या पूजा और गौ सेवा के बाद अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के बाद इसके रथ को भी रवाना किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस और राजस्व से जुड़ी शिकायतों की संख्या अधिक रही। इसके अलावा गोरखपुर में आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर से गणमान्य लोगों के साथ गोरखनाथ मंदिर और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरी करने की ओर अग्रसर है। 90 वासन साप्ताहिक संस्थापक समारोह कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया है, तो शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू होने जा रही है, जिसकी अभी से धमक सुनाई दे रही है। एक नए भारत को कैसे निर्माण में हमारी युवाओं की भूमिका हो सकती है, किस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि मैंने स्वयं भी एक वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्य के साथ आचार्य के साथ बैठ करके इसके बारे में जानकारी ली थी, क्या कि नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों ने क्या कार्य योजना बनाई है, और मैं चाहूंगा अभी से हम लोगों को उस कार्य योजना के साथ जुड़ना होगा। केवल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 13 दिसंबर को इसका भव्य लोकार्पण प्रस्तावित है। लोकार्पण को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर का एक वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था। वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि सैकड़ों करोड़ के हज हाउस बनाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी अपना काम बता रहे हैं। महादेव सब देख रहे हैं अखिलेश जी। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।